हाय, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड एनसीईआरटी क्लास 8 भारत की खोज का दूसरा चैप्टर। अब जो थंबनेल में देखा ही होगा, और आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दो। ओके, तो चलो, सेकंड चैप्टर है तलाश। तो तलाश में हम क्या जानेंगे? भारत के अतीत की झांकी में बस इतना ही है। देखो, स्टार्ट करते हैं। ओह, मैंने बताया ना, ये जो क्यूआर कोड स्कैनर है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इसको आप स्कैन करोगे क्यूआर स्कैनर कोड से, तो ये आपको एक इस चैप्टर के डिटेल्स बताएंगे ऑनलाइन इंटरनेट पे। ओके, चलो ये देखो। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपने प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे सवारा था। ठीक है, आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उन्हें अपनी प्राचीन शक्तियों को कैसे खो दिया, मतलब इसने अपने प्राचीन शक्तियों को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठा है, ये सब जानेंगे इसके नीचे। ओके, तो ये देखो आप। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचना की नजर से देखना शुरू किया। ऐसे आलोचना जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचता था। ओके? मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिम मित्र ने देखा हो। मेरे भीतर शंखाएं सिर उठा रही थी, क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत का विस्तार, विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो समर्थ है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसे आज है। और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रखता। ठीक है, नहीं रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? देखो, ऐसे ऐसे ये मिलते थे हमारे पुराणों में देखने के लिए, मतलब ये इतिहास में ऐसे तो देखने के लिए बहुत मिल जाते हैं। ओके? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ ये टीले देखो जो दिख रहा है ना, अभी एक आदमी दिख रहा है, उसको टीले बोलते हैं, गली गलियारा एक तरह से। टीले पर खड़ा था,
मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5,000 वर्ष पहले बताया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। उनके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ओके, यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्षों या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर प्रयत्नशील और विकासमान रहकर। फ्रांस मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से इसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब इतने सारे लोग देखे, इतने सारे कर्तव्य देखे, इतने सारे कल्चर देखे, लेकिन फिर भी भारत का कल्चर हिला नहीं। अगर मतलब सोचा जाए तो अगर इस कल्चर में ऐसा क्या है कि जो एकता से ही एकता बना हुआ है। देश आजाद होने से पहले भारत का 528 टुकड़ा था, 577 के 76 था। समझ लो कि अपने ही देश में इधर से उधर जाने के लिए वीजा लेकर जाना पड़ता, जिस तरह नेपाल नेपाल है, श्रीलंका है, वैसे वीजा लेकर जाते हैं हम। मध्य प्रदेश में जाना है, वीजा लेकर जाओ। उत्तर प्रदेश में जाना है, वीजा लेकर जाओ। छत्तीसगढ़, बंगाल जाना है, वीजा लेकर जाओ। ऐसा तो हाल होता। मैंने भारत के इतिहास और उनके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों का तेजस्विता, भाषा की अस्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की स्मृति ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी योद्धाओं के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंडमान निकोबार, बोरबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराना मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किए। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की, इंडस या सिंधु, इंडिया को पहले इंडस बोलते थे, इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहराई, गहरी दरारों के बीच से परस्पर
बर्बस मार्ग बनती हुई भारत में प्रवेश करती है। ओके, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य नृत्य उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, मतलब बहुत सारे पौराणिक कथाएं जो हैं सिंधु घाटी के नजदीक, क्योंकि सिंधु घाटी उस समय के सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध एरिया हुआ करता था। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा। चीन में ही था, ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से आता है। भारत की सबसे अच्छी नदी है, सबसे लंबी नदी है गंगा। और भारत की नदी गंगा नहीं है, कौन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा? भारत की सबसे बड़ी नदी है यमुना, और भारत की नदी नहीं है गंगा, गंगा हमारी माँ है। इसलिए गंगा हमारी माँ है और यमुना हिंदुस्तान की सबसे, भारत की सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है, समझे? जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की कथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो ये संस्कृति की कहानी है, गंगा नदी की कहानी। आप सबने जाना है गंगा हमारी माँ है, हमारे दादा दादी भी यही बताया करते थे। गंगा की हम पूजा भी करते हैं, और आदमी मरे चाहे जिए, गंगा जल तो उसके लिए चाहिए ही, ठीक है? मैंने पुराने स्मारकों और मैंने पुराने स्मारकों और भग्न अवशेषों को और पुरानी स्मृति पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता एलोरा की गुफा भी देखा। देखो, ये अजंता एलोवेरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। आगरा में क्या है? ताजमहल। दिल्ली में लाल किला। आगरा में किला भी है, आगरा का किला, जहां पर प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्थान पूर्व कुंभ, ठीक, पूर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोने से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पूर्वों के वर्णनों, मतलब उनके लिखे हुए वर्णों की याद आ जाती है। गोकि इस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे। पहले ही तो क्या था मुझे भी नहीं पता, इतिहास पढ़ रहे हो तुम्हें भी मालूम चलेगा, और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल है, वह कौन सी प्रबल अवस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदियों की ओर खींचती है। और ये तो जानना जरूरी है ना कि वो कौन सा बात है जो दुनिया भर के लोगों को अपने तरफ, भारत भर के लोगों को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को अपने तरफ खींचती है।
ओके तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं यहां तक, ठीक है। इसमें है, मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रियों और दौरों ने मिलाकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आते प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, आयरन स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजय के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्ष से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती थी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो यहां तक रहने देते हैं इस पार्ट में, फिर आगे की चालू करते हैं। भारत की शक्ति और सीमा अगले पार्ट में पढ़ते हैं। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।